होय मी त्यावेळेला जेव्हा त्यांचा फोन आला बघून सरदेसाईंचा फोन मी घेतला, माझ्या मुलाच्या मोबाईलवर घेतला, मोठ्या मुलाच्या सध्याच्या. मी म्हटलं उद्धवजी मला बोलायचं नाही, मी नाही बोलला तुमच्या बाजूला उद्धवजी होते. मी बघून सरदेसाईला सांगितलं अजून वेळ गेलेली नाही, तुम्ही आज संध्याकाळपर्यंत उद्या सकाळपर्यंत पत्रकार परिषद घ्या, राष्ट्रवादीला सोडली काँग्रेसला सोडली म्हणून जाहीर करून टाका. मी गुवाहाटीमध्ये गेलेल्या सगळ्या आमदारांना तुमच्या पायाजवळ नाही आणीन तर माझं नाव बदलून टाकेन म्हणून सांगितलं. मला संध्याकाळी ते हा म्हटले, मला म्हटले 5 मिनिटं तुम्ही घेऊन जाल का माझं सुद्धी, म्हटलं ती वेळ गेली आता नाही ना, कारण 3 वर्ष मीच वेळ मागतोय, मला तुम्ही वेळ दिलात नाही. आणि म्हणून संध्याकाळी मला हा म्हटले आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा शरद पवारसाहेब मातोश्री पोहोचले यांचा निर्णय बदलला, त्यांनी सांगितलं आता आम्ही कायदेशीर सगळ्या गोष्टी करणार आहोत, आम्ही न्यायालयात जातो. कुणी पक्ष संपवला, कुणी पक्ष फोडला, एखाद्या माणसानं पहिल्यांदा आपला पक्ष अबाधित कसा राहील ते पाहिलं असतं ना. आणि माझ्यासारखा माणूस ज्यावेळेला बोलतोय त्यावेळेला मी एकनाथजी शिंदे आणि प्रमुख जे गटनेते गोगावले साहेब वगैरे होते सगळ्यांचं मी बोलून असताना मी उत्तर दिलं होतं. सगळ्यांची इच्छा होती फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडा बस. त्यांनी आता हिंदुत्व स्वीकारलं असेल, त्यांनी आदरणीय पंतप्रधानजी यांच्या कामावरती आता विश्वास ठेवलाय, त्यांनी त्यांचं स्वागत त्यांचं. आम्ही हिंदुत्व सोडलं नाही, त्यांनी स्वीकारले. आम्ही 55 वर्ष केसेस घेतल्या, जेल भोगले, अंगावर घेतले अनेक लोकांना, आम्ही कोण होतो? अगदी ज्यावेळेला 40 आमदार 13 खासदार आणि एवढे शिवसैनिक नगरसेवक जातात तेव्हा एखाद्या माणसाला लाज वाटली असती मी कुठे काय कमी पडलो. त्यांनी स्वतःचं आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे. आता कसलं आव्हान घेत आहे? आता पुन्हा आयुष्याच्या पेटोगा मशाली ही वेळ आमच्यावरती का आली? त्याचं आत्मपरीक्षण त्यांनी केलं पाहिजे. तरीके से शिवसेना के नेताओं को गेट आउट का ऑर्डर दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं पूरी पार्टी छोड़ करके और ये लोग विदेश शिफ्ट होने. देखो उद्धव जी को इतनी घमंड थी, वो हुकुमशाह बन गए थे, किसी को भी नहीं मिलते थे, ना एमएलए को, ना एमपी को, ना नेताओं को, ना शिवसैनिक को, किसी को मिलना नहीं. मातोश्री में बंद दीवार के अंदर खुद को उन्होंने रखा था 2.5 साल, तो मुख्यमंत्री बने क्यों? क्यों मुख्यमंत्री बने फिर? कोरोना था तो अजीत दादा को भी था ना, अजीत दादा बैठ रहा था ना मंत्रालय में, उनका साइन चालू था ना, तो आप मुख्यमंत्री बने क्यों फिर? पहली बात. अब इसके लिए मैं यही कहूंगा, अभी वक्त निकल गए, वक्त इसके लिए रुकता नहीं. उन्होंने जो पाप किया है, शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे जी इनको पीठ के ऊपर खंजीर भोंकने का काम, अपने पिताजी के ही पीठ के ऊपर खंजीर भोंकने का काम उनके लड़के उद्धव जी ने किया है, तो उनको आगे भी भोंकना पड़ेगा. हम यही कह रहे थे कि आप कांग्रेस के साथ छोड़ो, राष्ट्रवादी के साथ छोड़ो, तो अहत शिवसेना प्रमुख जी ने उनसे संघर्ष करने का काम जिनसे किया, मुख्यमंत्री बनने के लिए खाली उनके साथ मत जाइए, ये हम कह रहे थे. क्या हमने गलती की थी? लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री बनना है. एक रात में सब निर्णय लिया. एक दिन पहले तो एकनाथजी शिंदे का मुख्यमंत्री पर डिक्लेयर किया था मड़के होटल में, तो एक रात में ऐसा क्या हुआ? एकनाथ शिंदे हो गए बाजू में और खुद ही बैठ गए कुर्सी पर जाके. क्यों? वजह क्या? तो उन्होंने जो पाप किया है उनको भोगना पड़ेगा. अभी भी वो जिनको जाना है, जो सरकार है वो पार्टी नहीं ना, ये अकेले निष्ठावंत है. अभी निष्ठावंत तो हम लोग है. आज भी हम लोग शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे उनके विचारों के साथ सहमत होकर हम लोग काम कर रहे हैं. उनको क्या अधिकार है? बेईमानी तो उन्होंने की है, गद्दारी तो उन्होंने किया है बाळासाहेब के विचारों से, तो उनको शिवसेना प्रमुख का नाम लेने का अधिकार नहीं है. गद्दारी उन्होंने की है. हम कड़वे सैनिक है, हम भगवे झंडे के सिपाही सब लोग हैं. तो क्या हुआ? अभी हुआ क्या? क्या पाया उन्होंने? उन्होंने राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ में जाके क्या पाया? शिवसेना प्रमुख जी ने इतनी पार्टी बड़ी की थी मराठी आदमी के लिए, वो मराठी आदमी के पार्टी में खड़ा ऐसा फुट
करने का काम ये उद्धव ठाकरे ने किया खुद की स्वाद के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। मैंने मातोश्री में उनको कहा था, मैंने कहा था जब ये मंत्रिमंडल का उनका काम चालू था तभी मैंने मातोश्री में उनको कहा था कि उद्धव जी आपके माध्यम से पाप हुआ है, सूचना प्रमुख के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर आप कांग्रेस राष्ट्रपति के साथ में जाएंगे, आप मत जाइए, ये पाप मत कीजिए आप। ये बोल के मैं मातोश्री से बाहर निकला, उस दिन से आज तक मैं मातोश्री में गया नहीं। एक सवाल यह है, आप जो ने उन्होंने कहा कि राइट टू रिकॉर्ड होना चाहिए, क्या इससे आप लोग भी सहमत हैं? दूसरा उन्होंने कहा कि मैं जस्ट मिनट था, पहले सवाल का जवाब देता हूँ। पहली बात तो उन्होंने खुद ने रिजाइन दिया, उन्होंने खुद ने रिजाइन दिया मुख्यमंत्री पद का, तो उनको स्टडी है क्या? उनको पूछो ग्राम पंचायत के अधिकार क्या होते हैं, ये उनको पूछो। चलो जब मुख्यमंत्री बनने को गए, वो बने तो उनको ये पूछ लीजिए ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक के अधिकार क्या होते हैं और संबंध क्या होते हैं। जब कुछ जानकारी आप तुमको नहीं है तो क्यों बने मुख्यमंत्री? प्रशासकीय अनुभव नहीं तो क्यों बने मुख्यमंत्री? उसका जवाब उद्धव ठाकरे नहीं दे सकते। पहला सरपंच होकर दिखाओ, अभी प्रधानमंत्री बहुत लंबा है। जो एमएलए थे वो गए, 40 एमपी सब गए, बहुत सारे नगर सेवक सब चल गए, शिवसेना गए। तो अभी पंतप्रधान जी का सपना देखना छोड़ो, अभी सपने में ही देखो, सपने में ही खाली देखो उनको, बोलो अभी वो दिन चला गया। कभी भी हो सकता है, अगले एक साल के अंदर डेढ़ साल के अंदर मुंबई महानगर पालिका उनके हाथ से जब चली जाएगी, सभी सपा चप्ट हो जाएगा, तभी एक रात को गपचुप अपने फैमिली की लेके वो आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ खजिया है, वक्त आने पर मैं मुंह खोल दूंगा। अभी भी चुप बैठे हम लोग, इसका मतलब यही नहीं, क्योंकि 55 साल हमने मातोश्री में निकाला है, हमें अंदर की सब बात पता है, तो मुंह खोलने को नहीं लगा समझ लगता है। अरे आपको देश छोड़ना पड़ेगा पहला। देखो मुंबई महानगर पालिका का बजट 50,000 करोड़ रुपए है, 25 साल से इनके पास मुंबई महानगर पालिका है। एक ही सवाल उनको मैं पूछता हूँ, 25 साल में जो मराठी आदमी मुंबई में 50% थे वो सिर्फ 9% क्यों हो गए? मराठी आदमी मुंबई से भाग क्यों चले गए? उसका जवाब अगर वो देते हैं तो मैं जो बोल दूंगा हर देंगे। जय महाराज, धन्यवाद, जय महाराज।